ये मूवी एक खतरनाक शेर की है जिसके परिवार को कुछ शिकारियों ने मार दिया था, जिसके बाद ये शेर पूरी तरह पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए हर एक इंसान को मारने लगता है। मूवी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी शेर का शिकार करने के लिए आए थे और तभी उन्हें पेड़ के पास शेर का परिवार जानवर को खाते हुए दिखाई देता है और ये देख कर सब तुरंत उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे शेर का पूरा परिवार मर जाता है और उनके मरने के बाद कुछ शिकारी शेरों को गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन दो शिकारी फिर से जाल लगाने के लिए वहीं रुक जाते हैं, पर एक शिकारी को थोड़ी दूर उसके साथी की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है जो अब एकदम घायल अवस्था में था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तब उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, पर अफसोस भागते हुए वो अपने ही लगाए हुए जाल में फंस जाता है और वो शेर गुस्से में आकर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले सीन में हम नेट नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी दो बेटी नोरा और मीरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आए हैं। उससे मिलने के लिए उसका दोस्त मार्टिन आता है, जो एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। वो इन सभी को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मार्टिन सभी को VIP सफारी टूर देने के लिए अपनी जीप से नेशनल पार्क ले जाता है, जहां वो कई सारे जानवर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बेंजी से भी मिलवाता है, जिसे जानवरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। इसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों के पास आता है, जो सभी उसे बहुत पसंद करते हैं, पर जब वो उन्हीं में से एक शेरनी के पास आता है तो वो घायल होने के कारण उस पर गुर्राने लगती है, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाता है और नेट के पास आकर उसे कहता है कि मुझे शेरनी के लिए मदद लेने जाना होगा, क्योंकि शेरनी को घायल करने का काम जरूर शिकारियों का है और तब तक मैं तुम्हें पास ही के एक गाँव में छोड़ देता हूँ। पर जब सभी उस गाँव में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मार्टिन और नेट को एक छोटे से ढाबे में कई सारे लोगों का शव दिखाई देता है, जिन पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया था। अब ये देखकर दोनों ही एकदम घबरा जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकलने का सोचते हैं। पर जब नेट ढाबे के बाहर आता है तो वहाँ उसे कहीं नोरा दिखाई नहीं देती, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर तभी उसे नोरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ जाता है, जहाँ नोरा एक महिला और गाय के शव को देखकर डर के मारे चिल्ला रही थी, जिन्हें शेर ने ही मार दिया था। और इसके बाद सभी तुरंत जीप के जरिए उस गांव से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शेर अभी आसपास ही हो सकता है। और तभी उन्हें सामने एक घायल आदमी दिखाई देता है, इसीलिए नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं, जिसे शेर ने ही हमला करके मार दिया था। अब ये देखकर मार्टिन उस शेर को बेहोश करने के लिए स्नाइपर लेकर निकल पड़ता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए जीप से दवाई लेकर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहीं पर अपना दम तोड़कर मर जाता है। वहीं मार्टिन उस शेर को ढूंढते हुए जैसे ही तालाब के पास आता है, उसे शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक जाता है। इधर गोली की आवाज़ सुनकर नेट भी उसी ओर जाने लगता है, इसे देखकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और जैसे तैसे जीप के अंदर आने में सफल हो जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वहाँ शेर आकर जीप पर हमला कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन तभी उस शेर को जीप की एक खिड़की खुली दिखाई देती है, इसीलिए वो उसके अंदर अपना पंजा घुसाकर नेट के पैर को पकड़ लेता है। लेकिन मीरा जैसे तैसे जीप को भगा देती है, जिसकी वजह से शेर वहीं गिर जाता है। और थोड़ी दूर आने के बाद दुर्भाग्य से जीप भी खाई के किनारे अटक कर बंद हो जाती है। अब नेट और बाकी ये सोचकर परेशान होते हैं कि अब वो आगे करेंगे क्या। फिर तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जहां दूसरी तरफ मार्टिन उनसे कहता है कि शेर ने मुझ पर हमला करके मेरे पैर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। और इतना कम नहीं था कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है, जो देखकर मार्टिन एकदम घबरा जाता है। वहीं नेट उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पर मार्टिन उसे कहता है कि तुम यहां मत आओ, क्योंकि शेर यहां से जा चुका है, वो तुम्हारे ही पास आ रहा होगा। लेकिन नेट सुनता नहीं और स्नाइपर लेकर जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसके स्कोप से मार्टिन उसे ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई दे जाता है, इसीलिए वो जीप से निकलकर उसके पास जाने लगती है। नेट उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और तभी वहां शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो जीप से गिर जाता है और बचने के लिए तुरंत जीप के नीचे चला जाता है। फिर शेर उसे कच्चा निकलने के लिए उसकी तरफ मुंह करता है, लेकिन मुंह बड़ा होने के कारण वो नेट तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जब नेट स्नाइपर लेने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शेर उस पर फिर से हमला कर देता है। नेट उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, तब जीप में से नोरा शेर के अंदर बेहोशी वाला दाड़ घुसा देती है, जिसके बाद शेर डर के मारे भाग जाता है। इधर मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले जाती है, जहां नेट उसका इलाज करता है और पैरों के घाव पर टांके लगाने लगता है, लेकिन टांकों से हो रहे दर्द के कारण मार्टिन बेहोश हो जाता है। रात को जब मार्टिन को होश आता है, तो वो नेट से कहता है कि मुझे लगता है कि शेर के पूरे परिवार को शिकारियों ने मार दिया था, इसीलिए वो शेर सारे लोगों पर हमला कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके, वरना मैंने आज तक कभी किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ समय के बाद वहाँ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो शिकारियों की गाड़ियाँ थी।
नेट उन सभी को अंदर ही रुकने के लिए कहकर शिकारियों से बात करने जाता है और उन्हें बताता है कि शेर ने उन पर हमला कर दिया था। हमारी गाड़ी अभी खराब हो चुकी है, कृपया करके यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। तब कुछ पैसों के बदले वो शिकारी उन्हें बचाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब उनका लीडर जीप का दरवाजा खोलता है तो मार्टिन को देख कर पहचान लेता है कि ये तो यहाँ का मैनेजर है। इसीलिए वो नेट और बाकी साथियों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ शेर आकर शिकारियों पर हमला करने लगता है। तब नेट सभी को जीप में बंद करके कहता है कि तुम सब अंदर ही रुको, मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ जिससे हम सभी यहाँ से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर नेट शिकारियों की गाड़ियों के पास आता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें चाबी ही नहीं थी। इसीलिए वो उन शिकारियों में से पीली टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो दरअसल गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि शायद उसी के पास ही गाड़ी की चाबी हो। नेट उस शिकारी को ढूंढते हुए तालाब के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसे शेर दिखाई देता है और उसी समय दुर्भाग्य से मीरा और नोरा वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर शेर नेट के और करीब आने लगता है। नेट वॉकी टॉकी को खाई में फेंक कर तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे शेर उसी को ढूंढ रहा होता है, पर शायद इतना कम नहीं था कि अब नेट के हाथ पर एक सांप चलने लगता है, लेकिन वो झटके से उसका गला पकड़ के उसको शेर के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। अब नेट फिर से आगे बढ़ता है और शेर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, और तब मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि शेर नेट से दूर भाग जाए, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उन्हीं की तरफ चला जाता है, जो देखकर नेट दोबारा पीली टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है, जो उसे मिल भी जाता है पर शेर के हमले से वो मर जाता है। इसीलिए वो उसकी गाड़ी की चाबी और गन लेकर वहां से जीप के पास जाने के लिए वहां से निकलता है। उधर जीप के ऊपर चढ़कर शेर उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो थोड़ा पीछे होता है और वो भागते हुए सीधा टूटी हुई खिड़की के अंदर अपना मुंह घुसाकर उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा काफी ज्यादा घायल हो जाती है। मार्टिन उन दोनों को जीप से बाहर करके खुद के साथ शेर को भी खाई में गिरा देता है, लेकिन इससे भी शेर को कुछ नहीं होता और खाई में गिरने के कारण जीप में से अब बहुत सारा ऑयल निकलने लगता है। ऊपर से वो शेर अब मार्टिन को देख लेता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मार्टिन लाइटर जलाकर वहां पर आग लगा देता है, जिसकी चपेट में मार्टिन और शेर दोनों आ जाते हैं। इधर नेट मीरा और मार्टिन के पास आता है, जहाँ से उसे चलती हुई जीप दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त अब नहीं रहा। अब वो शिकारियों की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शेर अब मर चुका है। साथ ही मीरा भी अब काफी ज्यादा घायल थी, इसीलिए नेट उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए किसी जगह की तलाश करने लगता है, और तभी उन्हें वहाँ पर एक पुराना घर दिखाई देता है। वो मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है, जो कि इन शिकारियों का घर था। इसके बाद तुरंत वो मीरा के घाव पर पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर इसके बाद नेट मदद बुलाने के लिए घर में फोन या रेडियो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसके पीछे शेर दिखाई देता है, जो कि अभी जीवित था, और वो वहाँ उस कमरे में आ जाता है जहाँ मीरा और नोरा है। वो दोनों शेर को देखकर चिल्लाने लगते हैं, साथ ही हम शेर के शरीर पर कुछ जलने के निशान देख सकते हैं, यानी कि वो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी इनकी पुकार सुनकर नेट वहाँ आ जाता है और शेर पर दो गोलियां चलाकर उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद करके कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस शेर को खत्म करके आता हूँ, क्योंकि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो दोनों नेट को जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। नेट कमरे के बाहर आ जाता है, तभी उसके सामने शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर उस पर लकड़ी फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है, इसलिए शेर भी उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद नेट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन नेट अब उस शेर को उन शेरों के इलाके में ले आया था जो मार्टिन के दोस्त थे, और कोई भी शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को कभी पसंद नहीं करता, इसलिए मार्टिन के दोस्त वाले शेरों ने उस शेर पर हमला करके उसे मार दिया। फिर तभी हम वहाँ गाड़ी के आने की आवाज़ सुन, जो कि मार्टिन के दोस्त बेंजी की गाड़ी होती है, जिसे देखकर नेट की जान में जाना जाती है। उसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में नेट की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ उसके सामने मीरा और नोरा भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों